तो सामने आपको दिखेगा ये रहस्यमय काफ़ी पुरानी मस्जिद, और ये वो पेड़ है जहाँ पर बताया जाता है दोस्तों कि यहीं पर ही शाम के वक्त में जिन्नात आके बैठते हैं। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कह रहे होंगे। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मौजूद हैं अजमेर शरीफ की काफ़ी मशहूर मस्जिद के ठीक करीब में, जिसे के बताया जाता है जिन्नातों की मस्जिद। तो दोस्तों आज अपन चलेंगे, आपको जिन्नातों की मस्जिद दिखाएंगे जो कि अजमेर शरीफ में मौजूद है, और वहाँ की रहस्य में जो भी बातें रहेगी हम आपको वीडियो में बताते चलेंगे, और वहाँ पर जो कुछ मिलते खिदमत करने वाले उनसे भी पूरी जानकारी करेंगे और आपको बताएंगे कि इसे क्यों जिन्नातों की मस्जिद कहते हैं। और दोस्तों बताया जाता है शाम के वक्त में इस जगह पर आना मना है, क्योंकि यहाँ पर जिन्नातों का वास हो जाता है। तो चलिए दोस्तों कैमरा घुमाते हैं, और ये पूरा देख सकते हैं आप हमारे पीछे की तरफ पूरा जंगली इलाका है। तो अभी चलेंगे इसी रोड से आगे की तरफ, और ऊपर है जिन्नातों की मस्जिद, तो वो पूरी आपको दिखाएंगे, और वहाँ पर मज़ार भी है, तो वहाँ के आपको दीदार भी कराएंगे। और वो किस अल्लाह के वली की मज़ार मुबारक है वो हमें तो नहीं पता, बाकी हम वहाँ पर ज़ियारत करेंगे, दुआएं मांगेंगे और आपकी भी ज़ियारत कराएंगे। चलिए दोस्तों कैमरा घुमाते हैं, पूरा मंजर कैसा रहेगा जिन्नातों की मस्जिद की तरफ का आपको दिखाएंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। चलिए दोस्तों कैमरा घुमाते हैं, पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं अजमेर शरीफ के जिन्नातों की मस्जिद के ठीक करीब में, और यहीं से अभी चलेंगे ऊपर की तरफ। और हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखना दोस्तों, शाम के वक्त में इधर आना सख्त मना है, क्योंकि बताया जाता है शाम के वक्त में यहाँ पर जिन्नातों का वास हो जाता है, मतलब यहाँ पर जिन्नात यहाँ पर आने लग जाते हैं। और एक रास्ता देखिए जा रहा ऊपर की तरफ, ये जा रहा घने जंगलों की तरफ, और ये रास्ता जा रहा जिन्नातों की मस्जिद की तरफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी रास्ते सीधा आगे, और वो जो रास्ता ऊपर की तरफ देख रहे हैं वहाँ पर है ताड़ा करके जाने का रास्ता पैदल वाला, जहाँ से ज़ायरीन पैदल जाते हैं। बहुत ही कम लोगों को जैसे कि पता है कि यहाँ पर जो है जिन्नातों की मस्जिद है, तो आज हम आपको वही दिखाएंगे। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी मनादी नहीं है, सिर्फ शाम के वक्त में आप नहीं आ सकते। तो चलिए अब यहाँ से चलेंगे, और ये सीढ़ियाँ आए देखे आप यहाँ पर। और दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है जिन्नातों की, और ये देखिए आप पूरा ये जंगली इलाका है, और वो रास्ता तो पैदल वाला जो ताड़ा करके दरगाह शरीफ के तक जाता है। और ये मज़ार मुबारक है जिसमें अभी गेट पे ताला लगा हुआ है, और अपन एंटर हो चुके हैं गेट से अंदर की तरफ, और इधर अपन उतारते थे दोस्तों चप्पल, और कुछ इस तरह से यहाँ का जो है मंजर देखने को मिलता है। यहाँ पर पंजतनी अलम भी है माशाल्लाह, और सामने ये मज़ार मुबारक है। और अपन अभी जो है इसी गेट से अंदर आए, माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सुकून मिल रहा है, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और जैसा कि अभी दरगाह शरीफ का जो गेट है अभी बंद है, और बाहर ये कुछ मज़ार मुबारक है जिनकी मैं आपको दीदार कर देता हूँ। माशाल्लाह देख सकते हैं यहाँ पर एक मज़ार मुबारक इधर पर है, और एक मज़ार मुबारक इधर पे है, और ये किन्हों की है ये तो पता नहीं, बस बताया जाता है दोस्तों ये अल्लाह के वलियों की मज़ार मुबारक है। और माशाल्लाह यहाँ पर लोग आते हैं हर जुमेरात को, यहाँ पर चादर फुल पेश करते हैं, और अपनी अपनी दिल से जो है मन्नत मुराद मांगते हैं। ये देखिए आप माशाल्लाह यहाँ पर एक साथ जो है तीन मज़ार मुबारक है, और एक इस तरफ है और एक आगे की तरफ है, और ये मेन दरगाह शरीफ अंदर जहाँ का गेट अभी बंद है। और दोस्तों मेन जो बात है, मेन जो यहाँ का टॉपिक है, जो मेन चीज़ है, जो जिन्नातों की मस्जिद, वो भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो ये पहले आप ये मज़ार मुबारक देख लिया आपने माशाल्लाह, और यहाँ का कुछ इस प्रकार से जो है मंजर था, और ठीक देखेंगे तो सामने आपको दिखेगा ये रहस्यमय काफ़ी पुरानी मस्जिद। और इधर पर दोस्तों ख़ास तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में जो है लिखा हुआ था कि अंदर जाना सख्त मना है शाम के वक्त में। अभी थोड़ा बहुत जो है मिट चुका है, बाकी फिर भी थोड़ा बहुत देखिए आप तो लिखा हुआ भी है। और यही वो गेट है जहाँ से अपन अभी एंटर करेंगे अंदर की तरफ। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं ये वही रहस्यमय मस्जिद है जो काफ़ी पुरानी मस्जिद है अजमेर शरीफ की, मशहूर जिन्नातों की। माशाल्लाह यहाँ पर देखिए आप चारों तरफ एकदम सन्नाटा ही सन्नाटा है, और यहाँ पर कोई भी अभी एक भी इंसान नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पर भी कोई भी नहीं है इंसान, हालांकि जगह आएगी यहाँ पर रुकने की, पर यहाँ पर फिर भी कोई नहीं है। मतलब यहाँ पर दोस्तों बताया जाता है कि बहुत ही कम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोई रहस्यमय जिन्नातों की मस्जिद भी है, क्योंकि ये जंगली इलाके के बीच में देखने को मिलती है इसलिए। और ये वो पेड़ है जहाँ पर बताया जाता है दोस्तों कि यहीं पर ही शाम के वक्त में जिन्नात आके बैठते हैं और अपनी अपनी इबादत करते हैं। ये देखें यहाँ पर ये वही पेड़ है जो हमने मालूम करा था, जो यहाँ के लोग हैं ये वही पेड़ है देखे आप।
यहीं पर ही बताया जाता है जिन्नात लोग बैठ के जो है अपनी इबादत करते हैं। और ये जगह है दोस्तों, जो इनके जो सरदार होते हैं, जो जिन्नातों के सरदार होते हैं, वो इस जगह बैठ के इबादत करते हैं। दोस्तों जितना हमें मालूम है उतना ही हम आपको बता रहे हैं, और अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है जो ऐड कर रहे हैं, जो आपको गलत बता रहे हैं। जो हमने यहाँ से सुना है लोकल लोगों से, वही आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन से जिन्नात यहाँ पर बैठते हैं और कौन से नहीं। तो यहाँ पर जिससे कि जो जिन्नातों के सरदार होते हैं वो यहाँ पर बैठ के इबादत करते हैं, और बाकी जो जिन्नात है वो पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो दोस्तों ये वही जिन्नातों की मशहूर मस्जिद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। और ये वो गेट है जिन्नातों का गेट के नाम से काफ़ी मशहूर है, जो जहाँ से अपन अभी अंदर आए इस गेट से। माशाल्लाह ये देखिए आप, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अजमेर शरीफ की मशहूर जिन्नातों की मस्जिद कैसी देखने को मिलती है वो मैंने आपको दिखा दिया हूँ। और आप यहाँ तक कैसे आएंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अजमेर शरीफ में जो अंदरकोट इलाका है वहाँ पर है मीठे नीम की दरगाह, और मीठे नीम की दरगाह जैसे आप ऊपर की तरफ चलेंगे वहीं पर आप किसी भी दुकानदार से पूछेंगे कि भाई जिन्नातों की मस्जिद कहाँ पर है, कोई भी आपको वहाँ का लोकल इंसान बता देगा कि जिन्नातों की मस्जिद इस हाथ पे आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, केवल दिन के मौके पर, शाम के वक्त में यहाँ पर आना सख्त मना है क्योंकि यहाँ पर जिन्नातों का वास हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आवे और जिन्नातों की मस्जिद को अपनी आँखों से देखें, और यहाँ पर आके जो मज़ार है उन पर चादर फूल पेश करके अपनी अपनी दुआएँ मांगें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर से बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आगे शेयर करें, जिससे कोई अगर अजमेर शरीफ आता है तो उसको भी यहाँ की जो है मालूमात मिल सके, और यहाँ पर आके अपनी आंखों से इस जिन्नातों की मशहूर मस्जिद को देख सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को आप आगे शेयर करेंगे, और चैनल पर हमारे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं एंड, और मिलते हैं आपको इसी के साथ एक और नई वीडियो में।